असम में जनता किसका करेगी चुनाव? रिकॉर्ड वोटिंग से किसका बड़ा तनाव और क्यों हुई असम की राजनीति में रेड गार्ड की एंट्री? चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी चक्रव्यूह। आज असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ। असम में 39 सीटों पर शाम 6 बजे तक 73% ज्यादा वोटिंग हुई। इस चरण में 4 मंत्रियों समेत 345 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई है। कोकराझर की रैली में पीएम मोदी ने राहुल और बद्रुद्दीन की जोड़ी पर जबरदस्त चुनावी हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को बम और बंदूक के बीच झोंक दिया था, अब सत्ता के लिए कांग्रेस ताला चाबी वालों के सामने समर्पण कर चुकी है। कोकराझार की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि असम के नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। उन्हीं की भाषा में कहूं तो कांग्रेस और उसके महाजूट को फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया है। आज AIUDF प्रमुख बद्रुद्दीन अजमल ने डायरेक्ट पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि 5 साल में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा है। बद्रुद्दीन के मुताबिक 5 साल में 100 बांग्लादेशी भी वापस नहीं भेजे गए। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया। तिरुकोयलूर की रैली में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव बीजेपी के स्थापना दिवस वाले दिन है, ऐसे में एनडीए की जीत पक्की है। आज पुडुचेरी में अमित शाह ने करुवादी कुप्पम के सीतानंद स्वामीगल मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर एनडीए प्रत्याशियों के लिए कई रोड शो किए। उन्होंने पुडुचेरी में इस बार एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। चुनाव आयोग ने सीएम पलानी स्वामी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर डीएम के नेता ए राजा पर एक्शन लिया। इसी ने अगले 48 घंटों तक राजा के प्रचार पर बैन लगाया है। उन्हें डीएम के स्टार प्रचारकों की सूची से भी हटा दिया गया है। आज सीएम योगी ने केरल में 3 रोड शो किए और कई सभाओं को संबोधित किया। कायमकुलम की रैली में उन्होंने कहा कि केरल में बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अराजकता का अंत करेगी। केरल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धुआंधार प्रचार किया। करुणा कपल्ली की रैली में नड्डा ने कहा कि LDF गोल्ड स्कैम है तो UDF सौर घोटाला। उन्होंने कांग्रेस का अर्थ करप्शन और विनाश बताया।